ईश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है मातृशक्ति के जागरण का। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है मातृशक्ति के जागरण का, क्योंकि धर्म की बात भी तभी आती है जब हमारे आसपास शांति हो और एक धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म का सहजता से पालन कर सके। हम देखते हैं कि लविंग जिहाद जैसे विषय हमारे समाज में बहुत ज़्यादा, हमें हमारी बेटियों को, समाज की बेटियां जो बिल्कुल सामान्य जीवन जीती है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, लेकिन यहाँ से निकल कर वो सोचती है मेरे जैसा ही अगला परिवार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपका दिशा निर्देशन चाहती हूँ। चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी, चाहे मीरा जी, चाहे झांसी की रानी, चाहे रुक्मिणी जी, चाहे राधा जी, चाहे सावित्री जी, आखिर माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। हम शंकराचार्य हैं, विश्व में सबसे बड़ा पद है यह। अगर आप आस्तिक हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि विश्व में इससे बड़ा पद कोई नहीं होता। लेकिन किसी माँ ने ही हमको जन्म दिया, तो मातृशक्ति का इतना महत्व है कि शंकराचार्य हों या भगवान राम कृष्ण ही क्यों ना हों, उनको भी जन्म देने वाली मातृशक्ति होती है। इसीलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, सबसे पहला संबंध भगवान के साथ हमारा है, त्वमेव माता। भगवान शंकराचार्य जी जैसे दार्शनिक महानुभाव, जिनके कुल देव थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा माता कृष्ण, अरे ओ कृष्ण नामक मेरी माँ, अरे ओ कृष्ण नामक मेरी माँ। भगवान कृष्ण की भी आराधना शंकराचार्य जी ने माँ कह के की। तो मातृशक्ति का बहुत महत्व है, लेकिन कुछ बात समझने योग्य है। हमारे यहाँ शील स्वास्थ्य, मातृशक्ति के शील और स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव न पड़े, इस सीमा में उनके व्यवहार को संयत किया गया है। इस रहस्य को न समझने के कारण आज उन्माद फैलता है। फिर से सुनिए, गंभीर तथ्य है, शरीर को लेकर स्त्री पुरुष के जीवन में भेद स्पष्ट है। बायां अंग फरके तो स्त्रियों के लिए शुभ है, दायां अंग फरके तो पुरुषों के लिए शुभ है। बहुत से क्रियाकलाप बाएं अंग को लेकर स्त्रियों के जीवन में शुभ है, बहुत सी क्रियाकलाप दाएं अंग को लेकर पुरुष के जीवन में शुभ है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मातृशक्ति का जो कार्य क्षेत्र होता है, मनोविज्ञान दर्शन के आधार पर वह यह होता है कि उनके शील और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। मैंने संकेत किया, अगर कोई युवती तैराकी होती है तो आजकल का विज्ञान यह कहता है उसका गर्भाशय शांत हो जाता है, गर्भधारण नहीं कर सकता, उसका मातृत्व ही संपन्न नहीं हुआ। फिर क्या, तैराकी जो महिलाएं होती हैं वो गर्भधारण करने की क्षमता नहीं रख पाती, क्योंकि गर्भाशय उनका दूषित हो जाता है। अगर 10 किलोमीटर तक दौड़ती हैं पुरुषों के समान या उनसे अधिक अपने आप को सिद्ध करने के लिए, तो आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा शास्त्र कहता है कि गर्भाशय उनका नष्ट हो जाता है। इसलिए आजकल जो विकास को परिभाषित किया गया है उसमें मनोविज्ञान का भी चिकित्सा शास्त्र का भी बिल्कुल सन्निवेश नहीं है। हमारे यहाँ देवियों के स्वास्थ्य और शील की सुरक्षा को लेकर विधिनिषेध क्रियान्वित है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सावधान, संतान पर, बेटे बेटे पर पिता का प्रभाव पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उदाहरण के लिए कश्यप महर्षि आज भी जीवित हैं,
कश्यप जी का नाम सुना होगा, वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संयमी ब्राह्मण, उनकी एक पत्नी दिति वो भी पतिव्रता थी, लेकिन प्रदोष काल में संध्या की वेला में पति के मना करने पर भी उसने पति को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। इस प्रमाद के कारण दो आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इसका मतलब पिता का प्रभाव संतान पर नहीं पड़ा, पुत्रों पर माता का प्रभाव पड़ गया, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी ओर पिता बड़ा दुर्दांत हिरण्यकशिपु, माता कयाधु भगवत भक्ता, पतिव्रता तो थी भगवत भक्ता, पिता का प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़ गया। अच्छा, पांडु राजा का नाम सुना होगा, जिनके पुत्र का नाम पांडव, युधिष्ठिर आदि, वो पांडु रंग के थे। क्यों थे? परिस्थितिवश भगवान वेदव्यास को देखकर उन जो पांडु की माता होने वाली थी उनका शरीर क्या हो गया? पांडु रंग का हो गया। माता की इस विकृति ने बेटे को पांडु रंग का बना दिया। इसी प्रकार से जो धृतराष्ट्र की माता होने वाली थी भगवान वेदव्यास को देखकर आंख मिचली, ये बने ठने नहीं है, समझ गए ना आजकल की दृष्टि से, आंख मिचली, माँ ने आंख मिचली, भविष्यत गति से जो धृतराष्ट्र की माँ होने वाली थी उसने आंख मिचली। माता के इस प्रमाद ने क्या किया? बेटे को अंधे बना दिया। और भी बहुत सा उदाहरण है, गर्भवती थी गांधारी, लेकिन जंगल में रहने वाली कुंती को लाला हो गया, उसका नाम युधिष्ठिर, साक्षात उस बच्चे को उधर कर दो तब समझ में आएगा, उधर खेलने के लिए किसी और को दे दो। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि गांधारी गर्भवती तो थी लेकिन 9 महीने की अवधि बीत जाने पर भी गर्भ बाहर नहीं आना चाहता था, परिपुष्ट हो रहा था, सौतिया डाह जिसको कहते हैं। अच्छा, जंगल में मंगल बस्ती में कराका द्रौपदी के लाला हो गया, इतना सुंदर धर्म का अवतार माना जाता है, और ये तब से मैं गर्भ धारण किए हुए हूँ, ये जन्म ही नहीं लेता है। इस द्वेष के कारण मुष्टिका का प्रयोग करके पेट को इतना पीटा, ये गर्भ परिपुष्ट नहीं हुआ था, मांसपिंड बाहर आ गया। भगवान वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देख लिया, वो प्रकट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या करने जा रही, आप ना आते तो मैं जला देती। तो उन्होंने कहा तुमको जब तू कुमारी थी तुमने वरदान मांगा था कि मेरा विवाह हो तो पति के अनुग्रह से 100 बेटों की पुत्रों की जननी बनूं, शिव जी के वरदान का भी तुमने ध्यान नहीं रखा, मुझसे भी तुमने वरदान प्राप्त किया था कि 100 बेटों की, तो गर्भ परिपुष्ट हो रहा था, तुमने ये क्या किया? अब शिव जी का और मेरा वरदान दिया हुआ व्यर्थ न जाए, शल्य चिकित्सा देखिए, 100 मटके मनाए घी, देसी घी से परिपूर्ण ढक्कन से युक्त, और एक एक टुकड़ा मांस पिंड का डालते गए। गांधारी ने सोचा चूक गई, कदाचित एक बेटी भी होती, वरदान तो 100 बेटों की मांग ली थी। भगवान वेदव्यास जी ने कहा हाँ बेटी चाहती है, चलो एक से एक टुकड़े कर देते, क्योंकि कन्यादान का बहुत महत्व है, ये जो देवियाँ होती हैं जामाता दामाद को बेटे से भी प्राय अधिक समझती है। तो 101 पुत्र और 1 बेटी। तो हमने संकेत किया कि यहाँ भी यही सिद्ध होता है कि माँ की क्रूरता ने 100 बेटों को दुष्ट बना दिया, इसलिए हमारे यहाँ अच्छा वेद पाठ है, जिस ढंग से घन पाठ होता है उस ढंग से अगर देवियाँ करें तो उनका गर्भाशय विकृत हो जाता है, 50 उदाहरण है। इसलिए देवियों के शील की रक्षा उनके ऊपर ही वंश निर्भर करता है, मैंने कई उदाहरण दिया, उनके शील की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा को देखते हुए वैदिक महर्षियों ने अमोघ दृष्टि से जो विधि निषेध का निर्धारण किया है उसको आजकल समझते हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ, बल्कि मनोविज्ञान की दृष्टि से वो सर्वथा उचित है, ये मैंने संकेत किया। जहाँ तक आप
रामचरितमानस पढ़ लो, मनुस्मृति नहीं पढ़ते तो। रामचरितमानस में वीटो पावर का उपयोग करती हुई कौशल्या जी ने क्या कहा, रामलला आए, बेटा कुछ दूध दूध ले लो, आज तो तुम्हारा अभिषेक होना है। राजतिलक, नहीं माँ, पिता दीन वही कानन ला राजू, मुझे राज तो मिला है, पिताजी ने वन वास दिया है, वन का राजा बनाया है। सहम गई कौशल्या जी ने उस समय क्या कहा, जो केवल पित आयस ताता, अरे वो बेटे केवल तुम्हारे पिता ने आदेश दिया हो तो मनुस्मृति के अनुसार विशेषाधिकार का वीटो पावर का प्रयोग करके मैं कहती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ वन मत जाओ, धर्मशास्त्र के अनुसार बेटे की पर पिता की अपेक्षा माँ का अधिक अधिकार होता है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन कदाचित तुम्हारी विमाता ने भी सहमति व्यक्त की हो या विमाता की भावना का अनुपालन तुम्हारे पिता ने किया हो तो तुम्हारी विमाता के कई का मुझ कौशल्या की अपेक्षा तुझ पर अधिक अधिकार। ये देखिए हमारे यहाँ, इसलिए हमने कहा देवियों के ऊपर और युद्ध की बात है, आपको युद्ध की बात पसंद होगी। ब्राह्मण घर की थी या नहीं झांसी की रानी, ब्राह्मण घर की थी, ब्राह्मण घर की थी, बचपन में उसके पिता ये सब ने सब क्या दिया था, प्रशिक्षण दिया था तलवार गदा आदि चलाने का, विवाहिता हुई, पति का नियंत्रण था, पति पसंद नहीं करते थे कि वीरांगना क्या रूप धारण करे, दैवयोग से विवाहिता के बाद दैवयोग से विधवा हो गई, उसने पूर्व अभ्यास को फिर मजबूत किया और एक तलवार से क्या क्या पक्के खंभे को यूँ किया, जब कट गया तो समझा कि मेरा अभ्यास पूर्ण हुआ। ब्राह्मण घर की बेटी लाडली प्यारी होने पर भी उसने जौहर दिखाया। अच्छा, केकई का जो दूसरा पक्ष है वो छोड़ दीजिए, केकई को इतना प्रशिक्षण प्राप्त था, क्या प्रशिक्षण प्राप्त था, महाराजा दशरथ जहाँ जहाँ युद्ध में जाते थे केकई साथ में होती थी, तो वीरांगना थी तो डर नहीं जाती। हम कहाँ गए, आनंदपुर है पंजाब में, या अभी हम गए नेपाल में, दो कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर शासन कर रही, कुछ मातृशक्ति भी नेपाल की यात्रा में थी, अब हम सोच रहे थे इनको डर नहीं लगता है, इनके घर वालों ने कैसे भेजा, अपने रिश्तेदार के साथ गई थी, क्योंकि दो कम्युनिस्ट पार्टी मिल करके जहाँ शासन कर रही है, मैं तो जो बोलना होगा बोलूँगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब आज भी तो हमने ये कहा कि ये अगर कहा जाए सैन्य प्रशिक्षण नहीं था देवियों को, और दुर्गा सप्तशती पर हो निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, ब्रह्मा इत्यादि ने देखा कि इन अराजक तत्वों पर मेरी दाल नहीं गलेगी, तो समष्टि तेज से देवताओं के समष्टि तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। और भी सुन लो, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। एक था दसमुख रावण, उसको राम जी ने मारा, एक निकल आया 1000 मुख वाला रावण, वो इतना चमत्कार पूर्ण था। अयोध्या से भगवान राम सैनिक भेजते थे, वो एक ऐसा बाण मारता था कि किसी को मारता नहीं था, वो बाण में इतनी चमत्कृति थी जो सैनिक जहाँ से आए होते वहीं पहुँच जाते। अब सामने हो तो युद्ध हो, अब भगवान राम का सर चकराने लगा, ये क्या युद्ध होगा, जो सैनिक भेजता हूँ, उन दिनों रथादी के द्वारा सैनिक भेजे जाते थे, वो मुस्कुरा के एक ऐसा बाण का प्रयोग करता था कि जो सैनिक जहाँ से आए वहीं, कितने बार भेजूँ, जब आमने सामने युद्ध हो तब तो। नारद जी आ गए, क्यों उदास हैं, या अजा आपसे काम नहीं चलेगा, सीता जी जब युद्ध करेंगी तब काम चलेगा, मेरठ पास में है शायद, मैंने एक चातुर्मास में अद्भुत रामायण की वहाँ कथा की, कितने साल पहले, 82-83 में की होगी, 84 में अद्भुत रामायण में है, तब भगवती सीता ने युद्ध किया, युद्ध करके उस 1000 मुख वाले रावण को मारा। इस दृष्टि से द्रौपदी का चरित्र देखिए, सारा शासन तंत्र पति को भजन धर्म कर्म में लगाती थी, पति को आगे करके सारा शासन तंत्र द्रौपदी चलाती थी। तो हमने कहा कि मातृशक्ति को विकसित करने के लिए उनके शील और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर सारा आयाम हमारे यहाँ पहले से विद्यमान है। एक प्रश्न और करूँ।